want to register your company लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे करो, तो ये डिटेल वीडियो आपकी पूरी हेल्प करेगा। हाय गाइस, वेलकम टू सिया वाइब्स, माय नेम इज सिया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हो। तो हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन जो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में चाहिए होगा और उसके बाद हम तीन तरीके की कंपनीज के बारे में स्टेप बाय स्टेप कैसे रजिस्टर करना है, कहाँ से करना है, ये डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। तो आप ध्यान से इन डॉक्यूमेंटेशन को समझिएगा ताकि आगे वाली प्रोसेस समझना आपके लिए इजी रहे। तो सबसे पहले बेसिक, अगर आपके नाम पे कंपनी है या जिसके भी नाम पे कंपनी है उसका आईडी प्रूफ जैसे पैन और आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही होंगे। नेक्स्ट विल बी आपका एक रजिस्टर्ड ऑफिस। तो हो सकता है आप अपने घर से काम करते हो, उसी को अपना ऑफिस एड्रेस बनाना चाहते हो, इन दैट केस इट इज फाइन, लेकिन यू हैव टू इंश्योर आपकी जितनी भी अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स है, कोई और कोरियर्स है, सब कुछ उसी एड्रेस पे आएगा। और आप अपनी सोसाइटी के साथ जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपको कंपनी का नाम बोर्ड पे रखना अलाउड है या नहीं। देन ऑफ कोर्स यू नीड अ बैंक अकाउंट। अपना बिजनेस और प्राइवेट बैंक अकाउंट सेपरेट रखिए। इनफैक्ट अब तो ये नेसेसरी है टू हैव अ सेपरेट बिजनेस अकाउंट जब आप कंपनी की तरह रजिस्टर कर रहे हो। नेक्स्ट विल बी यू डेफिनेटली नीड अ नेम फॉर योर बिजनेस, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि कैसे अपने बिजनेस का नाम सोचे, इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाए, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो। लेकिन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई जस्ट वांट टू स्पेसिफाई वन थिंग, आपका नेम अप्रूव होना चाहिए, इसलिए बी केयरफुल व्हाइल चूजिंग द नेम और उसको अप्रूव होना बहुत जरूरी है बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ योर कंपनी। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज DSC। DSC यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो आजकल बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स होती है ऑनलाइन, तो उस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिग्नेचर के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट है तो जिस इंसान को ऑथराइज्ड है वही यूज कर सकता है, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। तो अगर आप 5 लोग मिलकर ये कंपनी स्टार्ट करो तो 5 का अपना अपना DSC होगा। नेक्स्ट थिंग इज DIN यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे हर इंडिविजुअल का अपना एक पैन कार्ड होता है, उसी तरीके से हर डायरेक्टर का अपना एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इन केस ऑफ LLP या LLC यू डोंट नीड अ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, आप डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी ले सकते हो, बट अगर आपके पास ऑलरेडी DIN है देन यू डू नॉट नीड DPIN। नेक्स्ट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या MOA और उसके साथ एक और डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी AOA। MOA में बेसिकली आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव, शेयर होल्डर्स की डिटेल, रजिस्ट्रेशन, ऑफिस, लायबिलिटी, केस में क्या करना है, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, कैसे कंपनी ऑपरेट होगी, ये सभी चीजें मेंशन होती है। सो दिस इज लाइक चार्टर ऑफ योर एंटायर कंपनी जो पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट होती है। वहीं AOA जो होती है वो आपकी कंपनी की इंटरनल डॉक्यूमेंट है जिसमें उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस और क्या कैसे करना है, इन सब चीजों के लिए स्पेसिफाइड होता है फॉर योर इंटरनल पीपल ओनली। इन 8 डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको एक डिक्लेरेशन भी सबमिट करनी पड़ती है जिसमें आप कंफर्म करते हो कि आप सारे के सारे लीगल कंप्लायंसेस मीट करोगे। अब स्टार्ट करते हैं LLP यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप रजिस्टर कर सकते हो अपनी खुद की LLP। तो सबसे पहला स्टेप होता है टू ऑब्टेन DPIN। तो जैसे हमने बात की थी, अगर आपके पास DIN है यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो आपको DPIN यानी डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर की जरूरत नहीं है। आप इन दोनों ही चीजों को ऑब्टेन कर सकते हो बाय फॉर्म DIR 3। आपको मैं इस फॉर्म का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एसेंशियली आपकी जो KYC डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका एड्रेस प्रूफ, एज, सारी डिटेल्स मेंशन्ड है, वो सब आपको ओरिजिनल और एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सबमिट करनी होती है अलोंग विद DIR 3 फॉर्म। एंड आपको अराउंड 3 to 4 वर्किंग डेज में यूजुअली मिल जाता है आपका DPIN। क्योंकि LLP में 2 या ज्यादा पार्टनर्स होते हैं तो जितने भी पार्टनर्स है सबको अपना DPIN ऑब्टेन करना जरूरी है। DIN है तो वो भी चलेगा। नेक्स्ट आता है DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जैसे हमने बात की, जिसके थ्रू आप सारी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर पाओगे। ये ऑब्टेन करना भी कंपल्सरी है। तो आप इसको कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, MCA पोर्टल पे जाके आप देख सकते हो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज की डिटेल्स। मैं अगेन उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, कौन कौन सी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज है जिनके साथ आप अप्लाई कर सकते हो DSC के लिए। और ये भी आपको 3 to 7 वर्किंग डेज में मिल जाएगा। क्योंकि यू आर द मेंबर ऑफ द कंपनी या डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो इन दैट केस आप डायरेक्टर पे क्लिक करना पोर्टल में जाके। उसके अलावा प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो भी अपना DSC ऑब्टेन कर सकते हैं, या कंपनी में जो हायर मैनेजमेंट होती है जैसे CEO, CFOs या जनरल मैनेजर्स, वो सब भी अपना डीएससी ऑब्टेन कर सकते हैं सिलेक्टिंग ऑन द स्पेसिफिक रोल। तो आप डायरेक्टर पे क्लिक करना, आपने जितनी भी डिटेल डिन ऑब्टेन करते टाइम DIR 3 में डाली थी वही सब चीज़ें वो वेरीफाई करेंगे। अगर डिटेल्स मैच हो जाती है देन यू विल बी वेरीफाइड और आप अपना DSC ऑब्टेन कर सकते हो। एक बार आपके पास DIN आ गया, DSC आ गया, उसके बाद आपको MCA पोर्टल में जाके सिंपली अपना एक रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वहाँ पे अप्लाई करना है फॉर नेम अप्रूवल। नेम अप्रूवल के लिए होता है फॉर्म नंबर 1 और उसका साथ इनकॉर्पोरेशन के लिए होता है फॉर्म नंबर 2। तो ये दोनों ही फॉर्म्स आप भर देने हैं। फॉर्म भरने के विदिन 30 days में यू हैव टू इंश्योर यू हैव योर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है, वो एग्रीमेंट भी आपको सबमिट करनी है और फॉर्म नंबर 3 भरना है। दैट विल इंश्योर कम्प्लीशन ऑफ योर रजिस्ट्रेशन। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, यू नीड टू हैव अ सेपरेट बैंक अकाउंट and a registered office as well for your company. In this particular case, आप name approval के बाद उस नाम से अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो। रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए आपको सिर्फ 2 से 3 महीने की यूटिलिटी बिल्स एज अ प्रूफ चाहिए होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, तो इंश्योर दैट आप वहाँ पे काम कर रहे हो। अब हम बात करते हैं हाउ टू रजिस्टर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो इसमें भी सबसे पहले आप अपना DSC ऑब्टेन कर लीजिए, जो है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप किसी भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी से भी ये ऑब्टेन कर सकते हो, उसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट स्टेप विल बी टू फिल अ SPICE फॉर्म। SPICE क्या है? सिंप्लीफाइड परफॉर्मा और इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। SPICE के साथ साथ एक SPICE प्लस भी लॉन्च किया गया है ताकि इनेबल कर सके नए एंटरप्रेन्योर्स को कि वो फटाफट अपना बिजनेस रजिस्टर करें और कंपनी स्टार्ट कर दें। तो इस फॉर्म में 2 पार्ट्स है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या है? सिर्फ नेम अप्रूवल। इसमें जब आप एंटर करोगे अपना नेम, एक ऑटो चेक का ऑप्शन आएगा जिसमें आप चेक कर सकते हो क्या जो आपने कंपनी नाम सोचा है वो अवेलेबल है या नहीं है, क्या वो गाइडलाइंस को फॉलो करता है या नहीं करता, और आप उसी नाम को अप्लाई करना जो आपको ऑटो चेक में दिख रहा है कि हाँ आप कर सकते हो। उसके बाद फॉर्म बी में 4 मेन डॉक्यूमेंट्स होंगी। सबसे पहले आपका इनकॉर्पोरेशन फॉर्म होगा, देन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी इसी के साथ भरा जाएगा, तो वो भी इसमें ही होगा। उसके बाद आपका पैन और टैन, ये सभी चीज़ें आपकी बी से जनरेट हो जाएंगी। अब जब आप सारी डॉक्यूमेंट्स भर दोगे, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को PDF में कन्वर्ट करके इनके साथ अपना DSC अटैच करके बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकली आप उसको साइन करके फिर अपलोड कर सकते हो MCA के पोर्टल में। इसके साथ साथ बाकी जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगी AOA MOA, इनका भी इलेक्ट्रॉनिक वर्जन अपलोड कर सकते हो अगर आपकी कंपनी में लेस देन 7 मेंबर्स है और सभी इंडिया में हैं। देन आपके रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए आपको यूटिलिटी बिल्स चाहिए होंगे। देन आपको ऑब्वियसली डिक्लेरेशन सबमिट करनी है दैट आप सारे के सारे नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हो, कंप्लाइंसेस से अवॉइड कर रहे हो। जो नॉमिनी आपने सिलेक्ट किया है उसकी डिटेल्स, उसका कॉन्सेंट फॉर्म भी चाहिए होगा और साथ में बाकी आपके जो ID प्रूफ्स वगैरह चाहिए होंगे। उसके अलावा कुछ और ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स होंगे डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का बिजनेस आप रजिस्टर कर रहे हो। जैसे अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको IEC चाहिए होगा, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। और अगर आपकी कोई शॉप है जहाँ से आप गुड्स या सर्विसेज सेल कर रहे हो डायरेक्टली, तो इन दैट केस डॉक्यूमेंट्स एस्टेब्लिशिंग दैट यू ओबे शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो इसी तरीके से डिपेंडिंग ऑन आपका टाइप ऑफ बिजनेस आपको वो सारी डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देनी है एंड देन आप उस चीज को सबमिट कर दीजिए। देन आपको भरना होगा एजाइल का फॉर्म जिसमें अनदर 5 चीजें होगी। एक तो होगा GSTN जो आपका GST नंबर होगा, देन आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स, देन प्रोफेशनल टैक्स। अगर आपके स्टेट में कोई प्रोफेशनल टैक्स लिया जाता है तो डिपेंडिंग ऑन आप कौन से स्टेट में रजिस्टर कर रहे हो, ESIC और EPF, यानी आपके जो एम्प्लॉयज होंगे उनका स्टेट इंश्योरेंस और PF का प्रोविजन। सो ऑल द डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी सबमिट by a CA, CS, एडवोकेट और a cost accountant। तो आपको इंश्योर करना है कि आपकी सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स वो इंसान वेरीफाई करे, चेक करे और आपको हर प्रोसेस में हेल्प करे जहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन है। लेकिन अगेन यू मस्ट नो कि आपकी कंपनी कैसे रजिस्टर हो रही है और क्या क्या प्रोसेस है। और अगर आप चाहते हो मैं आपको एक अच्छे CA या लॉयर का सजेशन दूँ तो आप मुझसे मेरी email ID पे मेल करके इस बारे में बात कर सकते। सो रजिस्ट्रेशन ऑफ OPC इज वेरी सिमिलर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो इसमें भी आपको बहुत सिंपली जाके DSC बनवाना है अपना, उसके बाद आपको SPICE फॉर्म में भरना है, अपना नेम अप्रूवल लेना है, पैन, टैन, साथ में अपना DIN डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना है और कंपनी इनकॉर्पोरेशन फॉर्म्स भरने हैं। आपका अगेन सेपरेट बैंक अकाउंट होना चाहिए इस केस में भी, और उसके साथ साथ आप AOA और MOA इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सबमिट कर सकते हो क्योंकि ये एक ही पर्सन है। सो इफ़ यू आर अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेइंग इन इंडिया तो इन दैट केस आप ई फॉर्म्स भर सकते हो, आपको मैनुअल फॉर्म भर के अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। सो आई रियली होप अब आपको मिल गई है क्लैरिटी अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेकर, और मैं हाईली रिकमेंड करूंगी आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करके ही रखो। अब अगर आप इन तीनों की तरह नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप की तरह रजिस्टर करना चाहते हो जो एज अ कंपनी नहीं है, तो हम उस बारे में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, या हम अगले हफ्ते कर सकते हैं एक लाइव स्ट्रीम जिसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे, साथ साथ आपकी बिजनेस और करियर रिलेटेड क्वेरीज भी ले लेंगे। तो अगर आप चाहते हो लाइव स्ट्रीम होना तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब टू द चैनल, and don't forget to share with those people who want to register a company.